वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, 30 अगस्त 2020 से जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनती है आज हम सभी बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी डेनमार्क। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी डेनमार्क। डेनमार्क से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है डेनमार्क। यह उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी भूमि सीमा केवल जर्मनी से मिलती है, जबकि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से स्वीडन से अलग करते हैं। इसकी प्रेजेंट राजधानी कोपेनहेगन है और इसकी भाषा डेनिश है। इसकी सरकार का स्वरूप संवैधानिक राजशाही है और इसकी रानी मार्गरेथा द्वितीय हैं। इसके प्रधानमंत्री आंद्रेस वाग रासमुसेन हैं और इसका क्षेत्रफल 42,933 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में 130वें स्थान पर आता है। इसकी मुद्रा डेनिश क्रोन है। यह है इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिन्हें जान लेना आवश्यक था। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। भारत के नए चुनाव आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अशोक लावासा, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी सुनील त्यागी, ऑप्शन डी विजय मिश्रा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी राजीव कुमार। अब राजीव कुमार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है राजीव कुमार। इनको चुनाव आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो राष्ट्रपति की अनुमति से 31 अगस्त 2020 को अशोक लावासा की जगह चुनाव आयोग का पदभार संभालेंगे। राजीव कुमार 1 सितंबर 2017 से 29 फरवरी 2020 तक केंद्रीय वित्त सचिव के पद पर भी रह चुके हैं और 29 अप्रैल 2020 को उन्हें पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, तथा वर्तमान में इन्हें चुनाव आयोग के पद पर नियुक्त किया गया है, जिसका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। यह है इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सिल्वेस्ट्रे सियाल बिलिका, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को एशुए, ऑप्शन सी विसेंट एलेटोमी, ऑप्शन डी क्रिस्टिनो रिसिच बायको। द राइट आंसर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी फ्रांसिस्को एशुए। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है फ्रांसिस्को एशुए। यह लगातार तीसरी बार एक इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तथा फ्रांसिस्को एशुए को पहली बार 23 जून 2016 में इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य एक सेंट्रल अफ्रीकी तेल उत्पादक देश है, जो कोविड-19 महामारी और कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के कारण दोहरा आर्थिक झटका झेल रहा है, जो देश के राजस्व का लगभग 3/4 स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार 2020 में देश की अर्थव्यवस्था 5.5% तक नेगेटिव रहने की उम्मीद है। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। किस संस्थान ने BIS के साथ मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए IIT रुड़की, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IISc, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए IIT रुड़की। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है IIT रुड़की। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रुड़की भारत का एक सार्वजनिक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है। यह उत्तराखंड राज्य के रुड़की में स्थित है। पहले इसका नाम रुड़की विश्वविद्यालय था। इससे भी पहले इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था। इसकी स्थापना 1847 में सर जेम्स थॉमसन ने की। यह उत्तराखंड भारत में स्थित है। यह एक प्रकार का सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालय है और इसके प्रेजेंट निदेशक अजित कुमार चतुर्वेदी हैं। इसे महाविद्यालय की उपाधि 1949 में मिली, तथा 2001 में इसे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान घोषित किया गया और यह भारत का 7वां प्रौद्योगिक संस्थान बन गया। यह है लेट्स मूव अंडर क्वेश्चन। किस राज्य की पुलिस एवं संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में मध्य प्रदेश। यह भारत का एक राज्य है जिसकी सीमाएं 5 राज्यों से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसकी राजधानी भोपाल है। इसका सबसे बड़ा शहर इंदौर है और इसकी औपचारिक भाषा हिंदी है।
इसके प्रेजेंट राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, उसके प्रेजेंट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। इसका क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में दूसरे स्थान पर है। इसकी जनसंख्या लगभग 7,26,26,809 है, जो भारत में पाँचवें स्थान पर है। इसका शिक्षा स्तर 70.6% है और इसका लिंगानुपात 931:1000 है। यह है मध्य प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जिसका उद्देश्य युवाओं में कौशल एवं नव विचार का विकास करना है, ताकि द्वितीय विश्व क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को ही। इसका वार्षिक बजट 3,400 करोड़ है। इसके उत्तरदायी मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं। उसके राज्य मंत्री राजकुमार सिंह हैं। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। भारतीय उद्यमियों की नवोन्मेषी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी कंपनी अटल इनोवेशन मिशन NITIU के साथ सहयोग कर रही है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी बिजनेस ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी बिजनेस स्वीडन। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी बिजनेस स्वीडन। अब बिजनेस स्वीडन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है बिजनेस स्वीडन से संबंधित जानकारी। यह स्वीडन सरकार और स्वीडिश व्यापार समुदाय के प्रतिनिधियों का एक संगठन है, जिसका उद्देश्य स्वीडिश कंपनियों की मदद करना है, ताकि वे अपनी वैश्विक सेल में बढ़ोतरी कर सकें तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां स्वीडन में निवेश व विस्तार कर सकें। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। किस देश के साथ भारत ने निशस्त्रीकरण और परमाणु हथियार अप्रसार क्षेत्र पर आभासी विचार विमर्श किया है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी UK। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है, जो कोरिया प्रायद्वीप के दक्षिणी अर्धभाग को घेरे हुए है तथा इसके पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान, उत्तर में उत्तर कोरिया स्थित है। इसकी प्रेजेंट राजधानी सियोल है और इसको जापान से 15 अगस्त 1945 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसकी औपचारिक भाषा कोरियन है और इसकी मुद्रा दक्षिण कोरिया वॉन है। इसकी सरकार का स्वरूप अध्यक्ष गणराज्य है और इसके प्रेजेंट राष्ट्रपति मून जे इन है। इसके प्रेजेंट प्रधानमंत्री चांग साई क्यून है। यह है इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। बुंदेलखंड जल प्रबंधन परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी इसराइल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इसराइल। इसराइल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में इसराइल। यह दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी यरूशलेम है। इसकी राजभाषा हिब्रू और अरबी है। उसको स्वतंत्रता 14 मई 1948 को प्राप्त हुई। इसकी मुद्रा इसराइल नई स्केल है और इसकी जनसंख्या रैंक 10वें स्थान पर है विश्व में। इसके प्रेजेंट राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन है। उसके प्रेजेंट प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इसके मुख्य न्यायाधीश इस्तर ह्यूथ हैं। लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने हरित पद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन डी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है और नियमों विनियमों और सड़कों परिवहन से संबंधित कानून राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन अनुसंधान के निर्माण और प्रशासन के लिए शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना जुलाई 1942 में हुई। इसका प्रेजेंट मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका वार्षिक बजट 91,823 करोड़ है और उसके उत्तरदायी मंत्री नितिन गडकरी हैं, जो एक केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे ही वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको समय पर मिल जाए।